वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जीरा राइस। वैसे तो जीरा राइस बहुत ही सिंपल है और ऑल टाइम सबकी बहुत फेवरेट है, तो मेरे ख्याल से ये सबको बनानी आनी चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप बासमती चावल और इसको मैंने पानी से अच्छे से धोकर आधा घंटा भिगो कर रखा है। और हमें चाहिए आधी कटोरी घी, थोड़ा सा हरा धनिया, यहाँ मैंने जीरा 3 टेबलस्पून लिया है, एक नींबू का रस चाहिए हमें, स्वादानुसार नमक, और यहाँ मैंने खड़े मसाले लिया है, तेजपत्ता, लवंग, दालचीनी। पहले हम कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रखेंगे। घी हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। यहाँ हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। यहाँ हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरे को हमें घी में अच्छे से भुनना है। अब इसमें हम डालेंगे तेजपत्ता। इसको भी हमें घी में अच्छे से भुनना है। लवंग दालचीनी को भी हम घी में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम डालेंगे बासमती चावल जो हमने धोकर रखे थे। चावल को हमें घी के साथ और मसाले के साथ 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू हिलाते रहना है, तभी आपका जीरा राइस खिला खिला बनेगा। फ्लेम को मीडियम ही रखें। चावल को जितना आप घी के साथ भूनेंगे उतना जीरा राइस अच्छा बनेगा आपका। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, फीडबैक में। यहाँ हमारा चावल घी में अच्छे से भून चुका है। इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक घी में अच्छे से भूना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ मैंने गर्म करके लिया है, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छे से मिला लेंगे इसको हम। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। स्वादानुसार नमक। मिला दे सबको इनको। थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल रहे हैं इसमें। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेंगे और इसको हम ढककर रखना है। चावल को मैंने ढककर रखा था और इसको हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। चावल में अगर पानी की ज़रूरत है तो ही डालें। तो यह हमारा चावल अभी कच्चा है तो इसको हम फिर ढककर रखेंगे।
तो यहाँ हमारा चावल अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। यहाँ हमारा राइस अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चावल को हम एक डिश में सर्व करेंगे। अब तो इस तरह हमारा जीरा राइस बनकर तैयार है। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में, फीडबैक में ज़रूर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय।